ये गुन्नू का गिफ्ट ही पैक हो गया काफी दिन बाद। गुन्ना प्यारा क्लास लग रहा है आज का। मुझे कांच के बर्तन देखे जाए, एक मेरे पति देव जी के लिए, एक मेरे लिए। तो ये देख सकते हैं कि ये दे रखा है वॉल फ्रेम। तो थैंक यू सो मच। तो देखते हैं क्या है इसमें करके। सो गाइस, सारे गिफ्ट अनबॉक्स कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक से बढ़ जो कलश में मैंने चावल रखे थे और ऊपर पे चीनी रखा। बाकी हमारा मंदिर ये रहा है, वो वाला खाऊंगी मैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग अब कर रहे हैं चाउमीन पार्टी। चैनल तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी शाम के बज रहे 5 और अभी खा रहे हैं हम अनार फ्रूट में। तो और यार, मैंने आईफोन 15 ऑर्डर कर दिया है, 128 GB, 50,000 में। मेरा है, अरे मेरा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ऑर्डर कर दिया, इसको भी दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये सोच रही थी मजाक कर रही करके, ये देखो। लेकिन मुझे यकीन नहीं। आईफोन 15 अनबॉक्सिंग की वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, तब जाके यकीन होगा इसे। तो यार, गिफ्ट लाए 2-3 दिन हो गए। तो यार, गुन्नू का गिफ्ट था बच्ची का, तो आज देने जाएंगे। अभी चल रही पैकिंग, अभी पैक करता हूँ मैं इसको। तो फाइनली गुन्नू का गिफ्ट ही पैक हो गया काफी दिन बाद। गुन्नू नाम है। हाँ, तो ये देख सकते हैं गुन्नू नाम है करके, मेरे को पता नहीं था। लेकिन मोहित बोला था एक बार गुन्नू का भी बर्थडे आज इस दिन इनवाइट कर रहा था मैं। अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे गुन्नू लिखे हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा है। हाँ, सो गाइस, आज फिर से हम लोग करने लग गए अनबॉक्स। और ये मैंने खोल दिया था, मैं जल्दीबाजी में थी, फिर मैंने बोला वीडियो बना लेती हूँ करके। तो देखते हैं इसमें क्या ओपन होता है, बस अभी इतना ही ओपन कर रखा है। सो ये दे रखे हैं हमें पंते सर, योगेश पंते सर लोगों ने। और तो योगेश भैया की मम्मी गिफ्ट लेके आए थे मेरे दूसरे दिन, क्योंकि उसी दिन उनके घर में भी बर्थडे था। सो देखते हैं इसमें क्या निकलता है गाइस। ओह वाओ, क्या है इसमें, कप सेट ना, कितना प्यारा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच योगेश भैया को एंड उनकी पूरी फैमिली को, दादी को, दीदी को। ओके, कॉफी पार्टी करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। हस्बैंड देखते हैं कौन सा गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। थैंक यू सो मच। ये वाला इसमें किसका नाम है, नायक निर्मल सिंह। तो ये हमारे पाजी हैं, पड़ोसी। तो निर्मल सर लोगों ने गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच निर्मल भैया और दीदी को। तो अनबॉक्स करते हैं इसे। निर्मल सर भी बहुत हैवी तो बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दीदी लेके आई थी, हम लोगों ने फोटो शूट वगैरह भी। सो गाइस, गिफ्ट इतने प्यारे प्यारे ना, सच्ची में बोले अनबॉक्स करने का मन नहीं करा, वैसे ही रखे पड़े हैं। मैंने कब से ऐसे सजाने का मन कर रहा है। तो दिवाली आ रही है, जितने जल्दी से खोलेंगे उतने अच्छे से सजा लेंगे सारा सामान। तो वाह, इसमें क्या होगा मुझे पता है, चल बता। देख लिया, क्रिस्टल विस्की ग्लास। हाँ, तो देखिए गाइस कितना प्यारा गिफ्ट आया है। थैंक यू सो मच दीदी को और भैया को। गुड यार, इसकी भी जरूरत थी, मैं सोच रहा था, तेरे को बोल रहा था। हाँ, कब से बोल, विस्की का सेट ले लेते हैं कभी कोई गेस्ट कुछ। हाँ, कोई द्विचार होना ना लगोने वाला, कोई 2-4 होते मतलब लगाने वाले। तो बहुत अच्छे, देखो गाइस गुड यार कितने प्यारे ग्लास है। दो बैग लगाओ, ये यहाँ लगा दो मैंने। देखिए कितना प्यारा ग्लास लग रहा है आज का। मुझे कांच के बर्तन अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच दीदी को, बहुत प्यारा गिफ्ट है आपका, और भैया को भी थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा है सच्ची में। आप लोगों ने, सभी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। अब अगला गिफ्ट खोल दें। तो मग आया एक, और ये किसने दिया है, अरे तो नाम नहीं लिखा है जिसने भी दिया। थैंक यू सो मच सो मच। दो गिफ्ट सेम सेम हो गए, एक और है मग वहाँ पे। ये देखिए गाइस, यो कैरी मिनाटी जैसा क्या निकला है, स्पाइडरमैन। थैंक यू सो मच, बैंग 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 बैंग। थैंक यू सो मच, अच्छा मन। हाँ बहुत अच्छे आए थे, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सामान और मिला है तो इसे भी अनबॉक्स करते हैं। अरमान सिंह ढिल्लन। हाँ तो अरमान सिंह ढिल्लन, तो थैंक यू सो मच आपको, आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया। और दो गिफ्ट सेम सेम है, इसमें भी मग है गाइस।
तो हम लोग इसमें पियेंगे। वाह कितना प्यारा लग रहा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया आपने। तो हम तो गाइस एक मेरे पति देव जी के लिए एक मेल ले। अब अगला गिफ्ट खोलेंगे बड़े बड़े में हाथ लगा रहे मेरे हस्बैंड। ओह बेस्ट विशेस यार, नाम नहीं लिखा है बट जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। थैंक यू। टी सेट है। सो गाइस कुछ गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने अनबॉक्स किए, कुछ मैं करूँगी, तो यही देखिए। तो इसमें नाम नहीं है बट जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। मेरा मन तो करा मैं इन गिफ्टों को अच्छे से सजा दूँ डब्बे डब्बे रख के। ये देखिए गाइस थैंक यू सो मच जिसने भी दिया है यार। टी मग बहुत हो गया हमारे पास यार। टी सेट ये देखिए गाइस कितने प्यारे हैं, कलर भी देखो कितना प्यारा है। तो थैंक यू सो मच आपका बहुत। टी कप बहुत हो गया हमारे पास ना। बहुत हो गए। और गाइस आप लोगों को बताओ ये डब्बे सेम इसलिए ना क्योंकि ये सारे गिफ्ट जो भी जैसे हम लोग भी किसी को देते हैं या कोई भी किसी को देते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स में ना, बड़े कॉम्प्लेक्स और छोटे कॉम्प्लेक्स से लेके आते हैं तो सबका गिफ्ट यहाँ सेम सेम ही रहते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी कभी दूसरों को गिफ्ट खरीद के दूंगी तो वो सोचेंगे कि अपना ही घर का गिफ्ट लेके आए, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगी ऐसे क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतने प्यार से लेके आए। फर्स्ट बार एक तो मेरे अगर ऐसा करते तो हम वीडियो नहीं बनाते बट यार हम इसको गिफ्ट के तौर पे नहीं देंगे इन गिफ्टों को। ये अपने पास रखूंगी मैं यहाँ की मेमोरी क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सब चीजें रखती हूँ। भले ही कभी किसी को गिफ्ट दूंगी ऐसे डब्बे जरूर होंगे लेकिन क्या बोलते हैं इनमें से कोई भी नहीं जाएगा, ये मैं अपने पास ऐसे ही रखूंगी क्योंकि ये तो हमारा गिफ्ट है। और अगला गिफ्ट ये होते हैं चंदन जी ने भेजा है तो थैंक यू सो मच चंदन भैया को और दीदी को। थैंक यू सो मच चंदन सर और दीदी। चंदन मेरे को बोल भी रहा था यार पोस्टर यार चॉइस कर तो फोटो बोल रहा था। मैंने कहा भाई गिफ्ट तू दे रहा है मैं क्यों बताऊँ तेरे को, बता के थोड़ी ना लाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच चंदन सर और दीदी को। चंदन माय नमरी समरी ब्रो मेरे साथ रही है। अच्छा लगता है लेकिन फर्स्ट बार मेरे वैसे इतने गिफ्ट फर्स्ट बार होते हैं ना गाँव में। तो जैसे हम लोग गाँव में करते थे मैं तो शादी के टाइम शादी के टाइम से ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ अब फैमिली मेम्बर हुए ना यहाँ बहुत लोग थे और यहाँ सब खास ही हुए तो वहाँ पैसे देते हैं और यहाँ सबने गिफ्ट दिया था। वैसे लिखापे भी नहीं लिखी मुझे इधर तो ये मेरे मजनू के खास गिफ्ट भी दिया है। वाह दो फ्रेम है। थैंक यू सो मच चंदन सर। थैंक यू सो मच चंदन सर और दीदी को दो फ्रेम है मेरे इसमें। अंदर से भी टेप है तो ये शायद ना सेट होता है ना तीन फ्रेम का वो है या अलग अलग है क्योंकि आगे साइड से भी दो फ्रेम लग रहे हैं। तो ये देखिए गाइस। सो गाइस जी है वॉल फ्रेम। वाओ अलग अलग है मतलब वो करके लगाने जैसे ये वाले फ्रेम है ना ऐसे लगाते हैं उसी टाइप का होगा। तो मेरे जब से मेरे घर में गणेश जी आए तब से मेरे पास बहुत गिफ्ट आ रहे थे। थैंक यू सो मच गणेश जी। ये देखिए गाइस वॉल फ्रेम है ऐसे लगेगा ये ऐसे का सेट है। तो ये देख सकते हैं ये दे रखा है वॉल फ्रेम। तो थैंक यू सो मच। सो ये तो हमारी पड़ोसी निकले हैं। थैंक यू। अब अगला गिफ्ट और उसके बाद ये गिफ्ट है गाइस हमने थंबनेल की थी। सो कुछ गिफ्ट और बचे हैं और इसमें भी नाम नहीं लिखा है पर जिसने भी दिया थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे बर्थडे पे मतलब मेरे बर्थडे पे और इतना प्यारा गिफ्ट दिया। ज़्यादातर सारे YouTube फैमिली हैं तो ज़्यादातर इसमें से ना सारे हमारे YouTube फैमिली के मेंबर हैं। ये दो सेम सेम होगी मधुरे भी डेकोरेशन के लिए बढ़िया हो। सो गाइस ये देखिए वाह
दो सेम हो गए हमारे पास, एक वहां पे है। लक्की है भाई वो, जो सेम सेम आ रहे ना जिसके गिफ्ट है तो वो लक्की है। अब गाइस अब ये वाला खोलूंगी मैं, टीमग, इसमें भी टीमग, तो अननोन है भी, ये भी नेम नहीं है, तो जिसने भी दिया थैंक यू सो मच, और ये वाला भी जिसने दिया, ये तेरे सूट से मैचिंग कर रहा, मैचिंग। कौन सा मग होगा हमारे पास है यहाँ पे, इसमें से उधर है जो दो तीन मिल्क मग, कलर अलग होगा इस ब्लैक का। सबके गिफ्ट सेम सेम है क्योंकि सबने कॉम्प्लेक्स से ले रखा है ना, तो थैंक यू सो मच, गिफ्ट दिया बहुत अच्छा है, नेम नहीं लिखा है, और बाकी सारे फ्रेंड दिस इज आवर लास्ट गिफ्ट गुरप्रीत सिंह, थैंक यू थैंक यू। तो ये हम लोगों को गुरप्रीत सर और दीदी ने दे रखा है, तो थैंक यू सो मच दीदी को भी इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, लिख सकते हैं। अनबॉक्स करना भी बहुत खतरनाक कला है, सो गाइस इसे अनबॉक्स कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ इतने सारे गिफ्ट वहाँ पे सजाऊंगी घर के, डबल डबल इसके नीचे गणेश जी। तो इस घर में मैंने जो फर्स्ट पोस्टर लगाया था ना वही वाला है, तो मैंने तो गणेश जी का लगाया था या माता रानी का, तो देखते हैं क्या है इसमें करके। ये 7 हॉर्स, वाह थैंक यू सो मच दी और भैया, यहाँ पे लगाया मैंने 7 हॉर्स, अरे मैं भूल गई थी यार, तो फर्स्ट हमने ये लगाया था 7 हॉर्स गणेश जी, गणेश जी लगाया था, उसके बाद 7 हॉर्स, वाह बहुत शुभ माना जाता है ये। तो हमारा फर्स्ट गिफ्ट ना कृष्णा जी ओपन हुए, कृष्णा राधा जी की फोटो मिली फर्स्ट में, और दूसरा गिफ्ट हमारा 7 हॉर्स, दोनों ही बहुत अच्छी गिफ्ट मिले फर्स्ट और लास्ट, तो थैंक यू सो मच हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, फाइनली सारे गिफ्ट ओपन हो गया गाइस। थोड़ा हम अल्टीमेट गिफ्ट देंगे आप लोगों को जब आपका बर्थडे या कुछ पार्टी एनिवर्सरी या कुछ भी होगा, तो आप लोगों ने हमें इतने प्यार से दिया, तो हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी दे बहुत प्यार से दे, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आए जो हम लोग दें, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और सारे गिफ्ट दिखा देती हूँ एक बार में, तो एक बार में ये साइड कर लेती हूँ सारी। सो गाइस सारे गिफ्ट अनबॉक्स कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं एक से बढ़ के एक फोटो फ्रेम है, उसके नीचे भी हैं ये देखिए, और कप सेट भी काफ़ी मिले हैं, फोटो फ्रेम भी बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत। सो गाइस जो कलर्स में मैंने चावल रखे थे और ऊपर पे चीनी रखा था कल करवा चौथ के टाइम पे, वो कन्याओं को दिया जाता है, इसलिए मैं जोशी सर की बेटी को देने पे जा रही हूँ, उसमें जो मैंने पैसे चढ़ाए थे वो भी साथ में, ये प्लेट देना था उनका, तो उनके लिए एक प्लेट नूडल्स बना रखे हम लोगों ने, और एक प्लेट वरुण भैया लोगों के लिए, तो कोई भी किसी को भी दे दूँगी, साथ में 200 सॉस है, तो देख के आते हैं। तो गाइज आज फिर से नूडल पार्टी कर रहे हैं, पतिदेव जी बना रहे हैं नूडल्स, किसके लिए बना रहे हो बाबू, तेरे लिए, तो अभी दूसरा राउंड है, एक राउंड पहुंचा के आगे मैं, तो अभी ममता दी के लिए भी पहुंचा दूंगी मैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अब कर रहे हैं चाउमिन पार्टी, और ये सॉस वाला है और ये विदाउट सॉस वाला, तो ये भी फ्राई करके बना रखा है सॉस में, और उसके साथ कोक है, पतिदेव जी ने बनाया। हेलो हाय, हेलो, अब मैं बताऊंगी टेस्ट करके कैसे, हमारा मंदिर ये रहा दिया जल रहा है, तो ले बना दे मैं टेस्ट करती हूँ, अच्छा वाला टेस्ट करो पहले, तो पहले जो मेले बन रखा है वो वाला खाऊंगी मैं, सो गाइज अब मैं कर रही हूँ टेस्ट। तो यार मैंने जिस चीज़ को चाउमीन दिए तो केचप डाल के नहीं दिया है, क्योंकि मैं केचप वाला खाता हूँ, बाकी लोग किसी को लाइक भी नहीं है केचप वाला, सबको ये वाला दे रखा है, और साथ में केचप दे रखा है, रेड सॉस डाल के बनाता हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब मज़ा आता है उसमें, और ये रेड सॉस वाला ये दीदी को 10 में से कितने, इसमें तो 10 में से 10, 10 में से 9.5 नंबर, इसमें तो 8 नंबर, 8 को दिए होंगे बता, क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता ना, मुझे चटपटा अच्छा लगता है, साथ में दारू नहीं है, ये कोक है,